अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, आज जो स्टोरी हम आपके लिए लेके आए हैं वो मोटिवेशनल भी है, इंस्पायरेशनल भी है, क्योंकि आज जिस खातून से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम शाज़िया नवाब है, जो 2011 में चित्राल से इस्लामाबाद मूव हुई थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम भी मुकम्मल की और साथ में रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी की। उन सब के बाद अब वो एक कामयाब तरीन मोज़ेक आर्टिस्ट बन चुकी हैं। मोज़ेक आर्टिस्ट क्या है और ये क्या काम करती हैं और इनकी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह गुजरा, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा और अब ये किस कदर जो है वो मुश्किलात का सामना कर रही हैं या कामयाब तरीन है, लोगों का रवैया किस तरह इनके साथ, सब इनसे जानेंगे। हमारे साथ शाज़िया मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप लोग जो है ना, इस तरह की हमारी स्टोरीज जब आप लोग लेते हैं तो हमें मतलब एक इनकरेजिंग वो एक मैसेज मिलता है कि लोग हमें इनकरेज कर रहे होते हैं, लोगों को अवेयरनेस हो जाती है कि हम क्या काम करते हैं, हमारे काम के बारे में हमारे मुआशरे को पता चलता है कि मतलब खवातीन किस तरह के काम कर सकती हैं, क्या क्या कर सकती हैं। अच्छा दशाज़, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये मोज़ेक आर्ट क्या है। अगर मोज़ेक आर्ट की बात हम करें तो कोई भी छोट रॉ मटेरियल को लेके, कोई भी रिसाइकलिंग मटेरियल को लेके, छोटे छोटे पीसेस को लेके आप कोई प्रोडक्ट, कोई यूज़ेबल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको मोज़ेक आर्ट कहते हैं। तो मोज़ेक आर्ट में जब हम देखते हैं तो उसमें स्टोन आर्ट मोज़ेक आर्ट आता है, ग्लास मोज़ेक आर्ट आता है, उसमें वुड मोज़ेक आता है, उसमें टाइल मोज़ेक आता है, बहुत सारे टाइप के मोज़ेक आर्ट बनते हैं। लेकिन हमारी जो स्पेशलिटी है वो मार्बल मोज़ेक के ऊपर है। हम जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी नेचुरल कलर के मार्बल है उनको यूज़ करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा शाज़िया, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप 2011 में यहाँ पे आई, फिर आपने अपनी तालीम भी हासिल की, फिर आपने जो है रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी की, तो अपने बारे में सबसे पहले ज़रा लोगों को बताएं कि आप बेसिकली चित्राल से ताल्लुक़ रखती हैं, अपनी स्टोरी बताइए। जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक जो है चित्राल से है, चित्राल के मतलब अपर चित्राल से है, नॉर्दर्न एरियाज़ के हैं हम। तो मैं आई थी यहाँ पे एजुकेशन के लिए, तो मैंने एजुकेशन के साथ साथ तो हमारे वहाँ पे अर्ली मैरिजेस होते हैं, तो 19 इयर्स की थी तो मेरी शादी हो गई थी, तो साथ साथ में मैंने अपने एजुकेशन भी मतलब कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी की और साथ में मैंने ये काम सीखा। और उसके बाद फिर मैं एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकी क्योंकि फाइनेंशियल इशू थे, तो मुझे काम करना था, तो मैंने एज ए प्रोफेशन इसी को ही चुना, तो फिर मैं इसी को लेकर अभी तक मैं काम कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे, मेरी वजह से बहुत सारी खवातीन ऐसे हैं जिनके घरों के चूल्हे जल रहे होते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ने एक करम किया हुआ है कि मेरे पास जो आर्ट है, जो स्किल है, जो हुनर है, मैं दूसरे लोगों को भी सिखा रही हूँ, वो भी अपना जो चूल्हा जला रहे हैं। मैं मेरा ख़ुद का भी अल्हम्दुलिल्लाह के जो मेरी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह की अर्निंग बेसिकली इससे हो रही है, अच्छी अर्निंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अर्निंग होती है इसी से होती है, मेरा काम यही है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली भी है, मेरा एक बेटा भी है, मुझे उसको भी देखना होता है, मुझे घर को भी देखना होता है, साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे चल रहा है। जैसे आपने कहा कि आप ट्रेनिंग भी देती हैं, तो कितनी ख्वातीन हैं आपके पास जिनको आप ट्रेनिंग करती हैं, या आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? मेरे साथ अगर मैं शुरू से अगर अभी तक मैंने जितने भी काम किए हैं ना, तो बहुत सारे ख्वातीन को मैंने ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे मेल को भी मैंने ट्रेनिंग दी है। लेकिन ये काम ऐसा है कि इसके लिए बहुत सारा पैशन चाहिए होता है या फिर आपको ज़रूरत हो फिर वो लोग काम कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि हर कोई इस काम को कंटिन्यू नहीं रख सके हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट में अगर शुरू से लेकर अभी तक मैं अगर देखती हूँ सम टाइम में अगर अपने जो पोर्टफोलियो है वो अगर निकालती हूँ, तो मेरे पास जो ख्वातीन की लिस्ट आ रही होती है तो उसमें तकरीबन 1200 से ऊपर ख्वातीन हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ किसी NGO के थ्रू या फिर अपने पर्सनल प्लेस पर या फिर किसी फैक्ट्री में जाके मैंने अगर ट्रेनिंग दी है। तो उन ख्वातीन में से हर कोई वो काम कंटिन्यू नहीं रख सकते। मेरे साथ अभी जो ख्वातीन हैं वो कोई 10-15 ख्वातीन मेरे साथ काम कर रही हैं, ठीक है, वो आराम से घर में बैठ के अपने अर्निंग भी कर रही हैं, अपना उनका छोटा सा सेटअप बनाए उसमें अपना काम वो आराम से कर रहे हैं जी। नाज़रीन, ये वो वाला काम है जिस तरह आपको बाहर जाके जो है वो कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करनी, बल्कि घर में बैठ के ही जो है वो आप बड़ी आसानी से जो है वो बैठ के सुकून से काम कर सकते हैं, बेशक ये काम बहुत बारीक भी नहीं कहे बिल्कुल ना। बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप पता है क्या होता है, स्किल होता है, एक हुनर होता है। जब आप एक हुनर सीखते हो, कोई भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मोज़ेक ही सीख लें, ठीक है, आप कोई भी हुनर, आप स्टिचिंग कर लें, आप सिलाई कढ़ाई कर लें, कुछ भी कर लें आप, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर आपको पैशन चाहिए होता है, आपको शौक़ होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप शौक़ से, लगन से या फिर सिंसियरिटी से कोई काम करेंगे तो उसकी अर्निंग ज़रूर आपको मिल जाएगी।
अच्छा शाजिया, बताइएगा कि ये काम जो है वो, जिस तरह आपने बताया कि पेशेंस का काम है, इसमें जो सब्र बहुत ज़रूरी है, आप इस तरह नहीं कह सकते कि आपने बस एक काम किया और आपको अर्निंग फ़ौरन मिल गई है जैसा भी, तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपके साथ? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो अभी तक मैं काम कर रही हूँ। तो उनका अगर सपोर्ट नहीं होता, अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं होता है, तो बंदा आगे काम नहीं कर सकता है। तो स्पेशली ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर आपकी शादी हुई होती है तो आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हस्बैंड की होती है, ठीक है, आपको उसी से पूछना होता है कि आप आगे, अगर हस्बैंड आपको कहें कि आप बाहर नहीं निकल सकती हैं, आप आगे जाके काम नहीं कर सकती हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो फिर आप आगे मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकती, आप काम स्टार्ट नहीं कर सकती किसी भी चीज़ में, आप किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। बिल्कुल, ये हस्बैंड जो है वो सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है, और आप माशाल्लाह कामयाब मोज़ेक आर्टिस्ट हैं। तो मुझे बताइएगा कि अगर कोई आपके पास सीखना चाहता है ये काम, तो वो किस तरह आपसे जो है वो रابطہ कर सकता है? बिल्कुल, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, फेसबुक में भी मेरा पेज है, तो उस लिंक पे भी आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग शेड्यूल्स होती हैं, तो अभी हमारी चल रही है एक ट्रेनिंग सेशन, तकरीबन 10-15 अक्टूबर तक है, वो ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर दोबारा रीस्टार्ट होगी। तो उसमें ये है कि उसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, एटलीस्ट मेट्रिक होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इजीली एक लाइन ड्रॉ कर सके, अपना नाम लिख सके, ठीक है, तो फिर हम उनको सारा प्रॉपर ट्रेनिंग दे देते हैं, वो आराम से बैठ के अपना छोटा सा सेटअप बना लेते हैं घर में, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये सपोर्ट होता है कि जितने भी एग्जीबिशंस पे मैं अगर अपनी चीज़ें डिस्प्ले कर लेती हूँ, तो साथ में अपने स्टूडेंट की जो घर में बना के चीज़ें रखी हो तो मैं डिस्प्ले कर लेती हूँ, तो वो उनकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है, वो एग्जीबिशंस में उनकी चीज़ें सेल हो जाती हैं, उनको ऑर्डर मिल जाते हैं वहाँ से, तो फिर आराम से वो अपना सेटअप, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका फेवरेट कौन सा अभी तक जो है वो, आपने इतने ज़्यादा आर्ट बनाया है, तो कोई होता ना एक जो है वो दिल से अच्छा लग रहा होता है, तो कोई फेवरेट है अभी आपका? अगर मैं बात करूं कि कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई भी चीज़ करें ना, तो उनकी फेवरेट, क्योंकि हम अपने आर्ट को इतना इन्जॉय करते हैं कि हम कोई भी पीस बना रहे हो, कोई छोटी हो या बड़ी हो, तो वो हमें मास्टर पीस ही लगता है। तो ये है कि मुझे अपने आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे हर चीज़ मुझे मास्टर पीस लगती है, मैं अगर देखती हूँ तो लोग भी बहुत सारे अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं कि आपका काम बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, बहुत प्रोफेशनल काम है, तो मुझे खुशी होती है कि मतलब मुझे अपना हर पीस जो है वो मास्टर पीस ही लगता है। लोगों की आपने बात की, जिस तरह आप जो है वो इसकी एग्जीबिशंस भी ऑफ कोर्स हुई होंगी, तो लोगों का रवैया किस तरह था? हमारी थोड़ा मुआशरा इस किस्म का है कि वो लोग शायद इस काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, बाहर से जो है वो चीज़ ले लेंगे, लेकिन इस काम को बस सिर्फ अप्रिशिएट ही करते हैं कि हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन ख़रीदने की हद तक जो है वो शायद महदूद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा जो मुआशरा है यहाँ पे, मैं ही आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जो कोई वो डार्ट का काम कर रहे होते हैं, कोई पेंटिंग्स कर रहे होते हैं, कोई ट्रक आर्ट के काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हम जब एक जगह, जब हम कोई एग्जीबिशन पे जाते हैं या कहीं पे हम डिस्प्ले कर लेते हैं चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो बहुत सारे अप्रिसिएशन मिल जाता है हमें, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे हमें इतना डिसहार्ट कर रहे होते हैं कि दिल कर रहे होते हैं कि सारी चीज़ें इधर ही तेल डाल के इनको जला के बंदा चला जाए, ठीक है। तो मतलब मेरा जो काम है इसमें देखें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, स्टोन को तोड़ना, फिर उसको एक शेप देना, फिर वो चीज़ें प्रॉपर बनाना, उसमें मतलब पेशेंस चाहिए होता है, मेरी मेहनत होती है, मेरे जो हाथ हैं कभी कभी मेरे हाथों में इतने ज़ख़म आ जाते हैं कि मतलब मुझे 10 दिन तक दोबारा मैं काम नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग आके आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि 2 स्टोन ही तो जोड़े हैं, तो आपने रेट इतने हाई क्यों रखे हैं, रेट भी इतना हमारा हाई नहीं होता, क्योंकि हम स्टोन जोड़ के, स्टोन तोड़ के हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ की 10,000 रुपये रेट बताती हूँ, तो वो बंदा आगे से आके तो उसको हाथ लगा के कह रहा होता है कि इसमें तो 2 स्टोन ही तो जोड़े, आपने क्या किया हुआ इसमें, तो आप इतना महंगा रेट क्यों रखें। तो ये हमारी मेंटेलिटी है लोगों की कि वो बाहर निकलेंगे, तो किसी, मैं किसी ब्रांड के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रही हूँ, तो वो होता है कि लोगों की मेंटेलिटी ये है कि वहाँ पर जाके वो 10,000 की एक शर्ट ख़रीदेंगे, ठीक है, लेकिन जो हैंडमेड चीज़ें हैं, जो लोग मेहनत करके बनाए हुए होते हैं, उन चीज़ों को वो लोग नहीं ख़रीदेंगे, उनको, उनके लिए वो इतना हाई लगेगा कि 10,000, लेकिन वो एक शर्ट ख़रीद के पहनेंगे या एक दिन वो एक डिनर कर लेंगे, 10-20 हज़ार के डिनर कर लेंगे फैमिली को लेके बाहर जाके। अगर हम उनको कहेंगे कि हमारी चीज़ जो है इसकी प्राइस ये है, हमने हाथ से बनाए हैं, इसमें इतनी मेहनत हुई है, लेकिन मतलब वो आपको इतना अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनकी वजह से हमें काफ़ी डिसहार्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल, हाँ। नाज़रीन, ये थी शाज़िया नवाब, आपने इनकी बातें सुनी, इनकी जो ये मेहनत करती हैं उसके बारे में इन्होंने बताया, और लोगों का रवैया भी आपने सुना।
ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक बेहतरीन मिसाल हैं जो शादी के बाद ये काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, कामयाब मोज़ेक आर्टिस्ट हैं, इनके हस्बैंड इनको सपोर्ट करते हैं और ये ना सिर्फ खुद काम करती हैं बल्कि ख़वातीन को सिखाती भी हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो हैं वो इन लोगों को सपोर्ट करें। अगर इनको हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। जिस तरह ये अपने ओन पर इतना अच्छा काम करते हैं तो अगर इनको कोई सपोर्ट कर रहा होगा तो ये इससे बेहतरीन जो है वो काम कर सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।